नाजरीन, इस वीडियो के क्लिप पर बताया जाता है कि कौन सी स्प्रे कार के 75 से 95 मान दिखकर पैदावार ली जा सकती है, यानी कि काम इधर काम 70 75 मान तो ली जा सकती है, लेकिन अगर 95 मान पैदावार लेनी है तो उसके लिए साफ जहर है मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब एक तालबे इलम कम नंबर लेता है तो उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, अब एक तालबे इलम दिन रात पढ़ता है तो उसको साफ जहर है मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, तभी वो अव्वल नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है। तो अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो तब भी आपकी ज्यादा से ज्यादा पैदावार आएगी। अब एक किसान ज्यादा से ज्यादा 35 मान 40 मान पैदावार ले लेता है, लेकिन लोगों को इतना नहीं पता कि वो कौन कौन से तरीका इस्तेमाल करें और अच्छी पैदावार लें। अब लोग क्या, जब गोब की लात में आती है तो उसमें वो खाद डालते हैं जिसको जिससे गंदम जो है कच्ची होकर गिर जाती है। तो नाजरीन, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीजें डालनी है। नाजरीन, सिर्फ आपने दो चीजें डालनी है। पहले नंबर पर तो आपने नाइट्रेट ग्वारा खाद आप फी एकड़ में एक गट्टू डाल लें तो जबरदस्त पैदावार ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप पोटाश डालें। पोटाश डालने के ज्यादा फायदा यह है कि पोटाश डालने से गन्नम का जो सिट्टा है वो लंबा सिट्टा होता है, दानों की तादाद जो है वो बढ़ती है, दाने मोटे होता है, वजनी दाना बनाती है, गन्नम चमकदार नजर आती है और पैदावार तब भी अच्छी आएगी। अब मेरे दोस्त है अरफान साहब, पिछले साल यकीन मने उसने नीचे गन्नम के कोई खाद नहीं डाली, बिल्कुल नहीं डाली, लेकिन उसकी पैदावार अच्छी आई। तो जब हम थ्रेशर लगाने गए तो अरफान साहब मेरे दोस्त हैं, तो मैं उसके पास गया तो अरफान साहब ने मुझे बताया कि मैंने नीचे कोई डीएपी नहीं डाली थी, मैंने ऊपर दो गट्टू नाइट्रोफास के डाले, ऊपर मैंने पहले पानी पर 3 किलो वाला पैकेट बुरान का डाला, साथ में मैंने आधी बोरी जबरदस्त यूरिया की डाली, और मैंने जब दूसरा पानी लगाया तो वो मुझे बताने लगे कि मैंने सल्फर डाला। सल्फर उसने बताया कि इसलिए डाला कि सल्फर डालने से गन्नम जो पीली नजर आती है वो गहरी सब्ज नजर आती है। तो आपने मेहनत करनी है तब ही आप अच्छी पैदावार लेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या पैदावार आएगी। तो पहली बात तो यह हो गई कि आपने, अगर आपके पास पैसे कम है तो नाइट्रेट ग्वारा खाद डालकर भी पैदावार ले सकते हैं, वरना आप पोटाश खाद की 25 किलो वाली जो पैकिंग है वो जबरदस्त होती है, ये जबरदस्त एसओपी की खाद है, ये आप फ्लड कर लें। इसके अलावा 1 लीटर वाली जो पोटाश आजकल तो आई हुई है, 1 लीटर वाली पोटाश का आप स्प्रे कर लें, इसका भी जबरदस्त रिजल्ट है, तो तभी आप अच्छी पैदावार लेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।